हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना शाम का नाश्ता। तो अक्सर कुछ ना कुछ बना लेते हैं कम ऑयल वाला। तो आज हमने क्या किया है कि चने की दाल को भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हम रमज़ान से अब बना रहे हैं। रमज़ान में ये बहुत बनती थी हमारे वहाँ, बहुत कम ऑयल की होती है। आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेंगे ना तो नुकसान नहीं करती है। तो चने की दाल को हमने एकदम दरदरा सा पीस लिया है, तो दरदरा ही पीसिएगा, बहुत बारीक पेस्ट मत बनाइएगा। और हमने यहाँ पे क्रश किया हुआ लहसुन इसमें ऐड किया है। लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। हरा धनिया जाएगा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, और लहसुन को आप सूखी लाल मिर्च के साथ पेस्ट बना के डाल दीजिए। अक्सर हम वही डालते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास सूखी लाल मिर्च थी नहीं, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 2 चुटकी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो बस एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे। एक एक करके इसमें सारी हम पकौड़ी डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है और इसे चारों तरफ से इस तरह घुमाते हुए कर देंगे, जिससे कि चारों तरफ पकौड़ियाँ जो हैं गोल्डन हो जाएं। तो जब गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड में भी डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और इस साइड भी जो है गोल्डन कर देंगे। तो जब दोनों साइड इसकी गोल्डन हो जाएंगी, तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे क्या होगा, इसे हमने कम ऑयल में बनाया है, जब पानी में इसको हम पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगी। तो इसका पानी सारा ख़त्म हो गया है। अब इसको हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर ऐसे ही खुला रखेंगे, जिससे इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और पकौड़ी अभी लगेंगी नहीं कि आपने इतने कम ऑयल में बनाया है। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, इस तरह ज़रूर एक बार बनाइए आप। और बस ये हमारी पकौड़ी तैयार हो गई है। और थोड़े से मखानों को पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप 3-4 मिनट पहले भून लीजिए ना, तो बहुत जल्दी ये क्रिस्पी हो जाते हैं। और जो घी लगेगा ना, तो बहुत थोड़ा सा घी पड़ेगा इसमें। और 3 मिनट के बाद इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है। 2-3 मिनट इसे भी इस तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो ये सादे वाले मखाने बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ, आप ज़रूर इसे बना के देखिएगा। तो हमारे मखाने भी यहाँ पे रोस्ट हो गए हैं, तो ये भी तैयार है। चाय भी हमारी तैयार है। तो ये है हमारा आज का बहुत ही सिंपल सा और टेस्टी सा नाश्ता। तो ये पकौड़ी देखिए, आपको लगेंगे ही नहीं कि आपने इतने कम तेल से बनाई है। और आप इसे अपनी मनपसंद सॉस के साथ खाइए, हरी चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है। लहसुन डाल के हरी चटनी पीसी आप, हरी धनिया की, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।